डिसाइड करेंगे, सोच के देखिए, अगर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर है अगर कुछ नहीं दिया है आपको पढ़ के नहीं पता चल रहा है फाइनाइट पूछा है कि इनफाइनाइट पूछा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछा है कि एंड पूछा है तो इनफाइनाइट वायर का निकालिएगा बोर्ड में मेनली इनफाइनाइट वायर ही है लेकिन ये पूछ लेते हैं केस देखें कि फाइनाइट या इनफाइनाइट का बताइए नहीं कुछ है तो इनफाइनाइट का आप निकाल सकेंगे यहां अगर मैं कहता केस टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर तो मतलब ये वायर है इसका लोअर एंड भी नहीं दिख रहा इसका अपर एंड भी नहीं दिख रहा और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कंसीडर करते तो वो पॉइंट दिख जाता जिस पॉइंट पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया आपने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इक्वेशन पाया था वो ये कि एक छोटा सा टुकड़ा आपने कट किया था उस टुकड़े को ज्वाइन किया था और ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन थी इससे आपने वेरिएबल फाई लिया था इसी फाई को आप रखते हैं इन दिस फार्मूला तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन फाइनाइट लेंथ के वायर की मैग्नेटिक फील्ड या आप ऐसे समझ लीजिए इस टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड डीबी पा चुके थे आप अरेंज करने के बाद कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस पाई डी पाई क्यों ये मिला था इस टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड वाला और हमने कहा था कि बी नेट के लिए हमें इंटीग्रेट करना चाहिए और इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट चाहिए हमने कहा लिमिट लेने के लिए आपके पास तरीका है इसको चलाना शुरू कीजिए टू कवर द रोड चलाते 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 आप पैरेलल चलने लगी है टू द वायर क्यों क्योंकि जब पैरेलल चलेंगे तो हम कहेंगे इन्फिनिटी पर जाकर इंटरसेक्शन होगा यानी लोअर एंड को अगर पकड़ना चाहते हैं तो आपको ये करंट एलिमेंट तब तक चलाना चाहिए तब तक चलाना चाहिए तब तक चलाना चाहिए जब तक कि आप इस लाइन पर ना आ जाए इसका मतलब है ये हो जाएगा फाइव की लोअर वैल्यू तो इसका मतलब है ये हो जाएगा -90 और जब इसको यहां चलाएंगे तो ये अपर वैल्यू यहां चलाएंगे अपर वैल्यू इस चलाते 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 आपको इस लाइन पर चलना पड़ेगा यानी +90 तब जाकर के वो इनको इन्फिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब है अपर लिमिट विल बी द +π/2 या तो इसको सॉल्व कर लीजिए या सीधे सीधे यहां 5 की जगह 90 और 5 की जगह 90 साइन छोड़ करके क्लियर है सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मिलेगा चलिए सॉल्व कर लेते हैं मतलब दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ लेते हैं तो इसकी लिमिट -90 to +90 के बीच में होती है अभी हमारे पास ये हो गया -π/2 ये हो गया +π/2 और डीबी हो जाएगा म्यू नॉट ये जो लिखे हुए हैं अपॉन 4π आई बाई आर कॉस फाइव डी फाइव म्यू नॉट अपॉन 4π आई बाई आर बाहर कर लीजिए कॉस फाइव डी फाइव साइन फाइव हो जाएगा अंडर द लिमिट -90 to +90 ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π आई बाई आर साइन +90 + 1 हो जाएगा माइनस साइन -90 - 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4π 2i/r और जरा डायरेक्ट सोचिए तो इसमें 5 भी 90 रख देते 5 भी 90 रख देते तो आने जाता 2i/r डायरेक्ट अगर कहते तब कहते एज वी नो एंड लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विदाउट साइन तो ये 90 और ये भी 90 तो साइन 90 + साइन 90 2 साइन 90 दैट इज 2 या फिर ऐसे लिमिट लेके सॉल्व कर लीजिए थोड़ा स्टेप फॉलो हो जा रहा है इसका मतलब है इनफाइनाइट लेंथ के वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4π 2i/r जरा ध्यान से याद कीजिए तो इलेक्ट्रोस्टैट में बात मत कीजिए भाई गॉस थ्योरम से जब चार्ज्ड वायर लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो आया था 1 upon 4π ε2 λ/r सिमेट्री देखी वहां चार्ज डेंसिटी रिस्पॉन्सिबल होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और यहाँ
currents are responsible for developing the magnetic field. तो symmetry है कि नहीं है, electrostat का constant है, magneto का constant है, 2 by r इसमें भी है, 2 by r इसमें भी है. Whenever there is current, there is magnetic field. Whenever there is charge, there is electric field. ये आया था electric field में, आया था magnetic field में. अभी हम कह रहे हैं कि the point is lying at any one end of the wire, एक छोर पर है. मतलब एक जैसे power station से आया और आपके घर तक आया, आपके घर वाला एंडो आपके पास है, पावर स्टेशन वाला छत पे खड़े होकर देख के बताएगा तो कहाँ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, कितनी डिस्टेंस मारेंगे उसमें, यानी कि जो एंड आपके पास है उस एंड पर आप है, हम बीच में खड़े हैं पावर स्टेशन से गोरखपुर, और गोरखपुर से निकल गया कहीं और, तो समवेयर मिडवे में चले हैं. हम ये नहीं कह रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम कह रहे हैं समवेयर इन मिडवे, कहीं बीच में हम है. तो उसके इसमें आपने क्या निकाला था, इनफाइनाइट ये वाला हो गया ना, पावर स्टेशन से शुरू हुआ वो भी नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो भी नहीं दिख रहा है, बीच में हम खड़े होकर मेजरमेंट कर रहे हैं, कितनी लिमिट ले रहे हैं अपने से पावर स्टेशन और अपने से फाइनल माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू ले लें तो कवर हो जाएगा. तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं एक जगह आपको बता रहे हैं. अभी आ जाइए केस थ्री, व्हेन यू आर एट एनी वन एंड ऑफ द वायर, यानी फाइनाइट इनफाइनाइट वायर है और उसके एक किनारे पर आप खड़े हैं. केस थ्री, ये आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक एंड का पता नहीं और दूसरे एंड पर आप मेंटेन है, ध्यान से देखिएगा ये मेंटेन है और हम कह रहे हैं बताइए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी, और इसमें करंट तो ही है, बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी. आपने क्या कह के इस इक्वेशन को जनरेट किया है, आपने यही कह के जनरेट किया है ना कि हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल सोचना है, उस आइडियल को उस पॉइंट से ज्वाइन करना है. कौन है भैया बहनी, उसके बाद इसको एज अ वेरिएबल फाई लेना है. जरा देखिए तो फाई को माइनस 90 करेंगे तो इस पर चलेंगे, कवरिंग द लास्ट एंड एट माइनस इंफिनिटी, और फाई को जीरो डिग्री करेंगे तो यहां चले आएंगे. क्लियर है लिमिट क्या है, माइनस 90 पर आप इसके लोअर एंड पर होंगे और जीरो डिग्री पर इसके अपर एंड पर होंगे. क्लियर है, यानी फाई इज इक्वल टू माइनस 90 करिएगा तो लोअर एंड पर चले जाएंगे और फाई को जीरो करिएगा तो एंड पर चले जाएंगे. यानी यही लिमिट क्या लेनी चाहिए, माइनस फाई बाई टू टू जीरो, माइनस फाई बाई टू टू जीरो, माइनस फाई बाई टू टू जीरो. आ जाइए साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, अब माइनस साइन ऑफ माइनस 90 माइनस 1, कितना आ गया ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर. जरा ध्यान से देखिए तो एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर हुआ करता था तो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, और जब एट एनी वन ऑफ द एंड चले गए तो आई 2 नहीं आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, क्या आधा नहीं हो गया, एक एंड पर पहुंचे तो बड़ी अच्छी सोचने की बात है, बीच में है तो दोनों एंड का कवर हो रहा है तो 2 आई बाई आर, और एक तरफ जा रहे थे कि 2 जा रहा है तो 1 आई बाई आर, याद रहेगा. अब इस पर न्यूमेरिकल लगा के दिखाएं कैसा न्यूमेरिकल आता है. हमने 5 नंबर का एक बिग डेरिवेशन फॉर सीबीएसई बोर्ड सॉल्व करके दिखाया, एंड आल्सो फॉर द यूपी बोर्ड एंड आल्सो फॉर द आईएससी, बट इट इज ऑफ 7.5 मार्क्स इन केस ऑफ आईएससी बोर्ड, 5 मार्क्स इन केस ऑफ सीबीएसई बोर्ड एंड 2.5 मार्क्स फॉर द उत्तर प्रदेश बोर्ड. ठीक है, 2.5 मार्क्स बहुत लिखना पड़ता है. उत्तर प्रदेश बोर्ड में 60 क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में 27 क्वेश्चन आते हैं और आईएससी में 37 क्वेश्चन आते हैं. आईएससी में मार्क्स ज्यादा होते हैं लेकिन आईएससी में 1 से 10 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वही नंबर वन गिरा देता है. सीबीएसई में ऐसा नहीं था इस साल से, अभी तो आया नहीं है लेकिन ये लागू कर रहे हैं कि 1 to 10 कंपलसरी होगा, मतलब एक भी इंटरनल च्वाइस नहीं मिलेगा. जो लिख दिए वो आपको बताना है, आता हो चाहे ना आता, यानी आपने पढ़ा मैग्नेट तो नहीं आता है तो मैग्नेट के बारे में बता दीजिए, मैग्नेटिक मैग्नेट होता है, आयरन मैग्नेट होते हैं, छोड़िएगा मत क्योंकि कंपलसरी है, बड़ा झंझट है. एग्जामिनर अगर बहुत रूड होगा, पढ़ने वाला होगा तब तो पढ़ेगा, नहीं तो इतना टाइम नहीं होता है. ठीक है, वो एक दो बच्चों को पढ़ेगा उसका ट्रिक मार के निकल जाएगा ना, आपका फायदा होता है और खाली छोड़ कर आएंगे तो. ठीक है, कहीं भी आपको इलेक्ट्रोस्टैट पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैट का है, पूछ रहा है घास चोरस आपको कुलाम सा आता है. अभी समझ में आया मैं मास्टर कैसे बन.
हम पेपर 100% करते थे। तो क्या पूछा डजन मीन क्या आता है मैं बता गया था दिस दिस एंड दिस। अब एग्जाम में कहता था भाई पूछे क्या बताया क्या सर जो आता वही बताएंगे सर। सर कहता था चलो ठीक है टॉप करो लेकिन लेकिन साइंटिस्ट नहीं बनना है ना भगा दिए सर वो लात मार के भगाए थे बड़ी बेइज्जती करते थे सर मतलब सिर्फ इतना नहीं इज्जत से जाने दें सब आज देखिए साइंटिस्ट बनेंगे आता नहीं है तो कुछ सर आता है ना पूछ के तो देखिए जब पूछे सर ये नहीं कुछ और पूछ फिर पूछे बोले सर ये वाला भी नहीं सर आपको कैसे पता चलता है मुझे जो नहीं आता वही बेचारे टेंशन ही आ जाते थे सर। और उसके बाद कहते ऐसा करो जाओ भैया अपने सर का सर खाओ उसे दिया सर जा ही रहा है कौन जॉब के लिए मार रहा है। हाँ लेकिन साइंटिस्ट नहीं बन पाए नहीं तो अपना लैब तो 5 बार उड़ाए ही होते हैं। के आइए ये देखिए देखिए क्या है पता चला भाव फिर जोड़ जोड़ के फिर की खाए ना फिर उनको खाया करते सर मारने नहीं देंगे जब तक आप सफल हो जाते जाने नहीं देंगे आपको कहीं ठीक है। जैसे ग्रिगनार्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाज अ वेरी फेमस क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व करने वाला पहला होता और बहुत ही गढ़ा था अपने टाइम में सारे फ्रेंड और सारे उसके जो साथ वाले थे चिढ़ाते थे। उसका प्रोफेसर भी कहता था ये इसका कुछ नहीं हो सकता बेचारा रिसर्च लिख रहा था और उसने ग्रिगनार्ड रिएजेंट डिस्कवर किया जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं जबकि उस समय सिर्फ वाटर एज अ डिजॉल्वर था तो आयरन और फैट कहाँ उसमें डिजॉल्व होता है। अब बताइए नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ जिसको गधा गधा कहते थे तो ऐसा नहीं कि कवंदे खान पर डर लग गया और हुआ कुछ नहीं था बेचारा गिर गया था केमिस्ट्री का साठ जोड़ लेके सब मिल गया डर के मारे पड़ता है नहीं सर को उठा के बटोर के दे दिया उनको बेचारे लगे प्रैक्टिकल करने। अब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा डिजॉल्व होने वो लगे परेशान की कौन सा ला के दिए हो का ला के दे दिए होगी सब डिजॉल्व हो जा रहा है। जब वो कंपोजिशन चेक किए तो देखे कि एक कंपोजिशन तैयार हो गया है उसका नाम उनके ऑनर में उन्होंने ग्रिगनार्ड लेकिन स्टूडेंट के नाम से लिया उसका कंपोजिशन आप पढ़े बताइए हम लोग कभी हम 5 बार जान बुझ के गिरे बोले थे कुछ नहीं और नहीं तो टेस्ट भी पूरा डांट पड़ी और नहीं तो छूना फूट गया तो ठीक है। न्यूटन का कुत्ता था सुनते हैं कि कई सारा डायमंड नाम था ना उसका कि बहुत सारे थॉट्स देता था हमारे यहाँ कुत्ता है ठीक है सारा कुत्ता हमारा भाग भी ले लेता है ठीक है मीन्स वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है मतलब उन लोगों को बताने कैसे बेनिफिट हो जाता था या तो जहाँ हाथ डालो वहीं जो है गड़बड़ा जाता है ठीक है अपना सही से काम करो वो भी नहीं होता है। जैसे अभी एक डिवाइस शो होगा जिससे सारी लाइट इजीली कट जाएगी वो डिवाइस लगाने से पहले भड़क भड़क के समाप्त हो जाए लोग ताली बजाना शुरू कर जाए देखो लाइट कट जा रही है। अगर सर अभी डिवाइस का काम ही नहीं किया तो शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट कट जा रही है लेकिन कोई बात नहीं साली बच गई तो हो गया ठीक है प्राइस मिलना था मुझे कि इतना फर्स्ट नहीं कर रहा था जाना नहीं पड़ता है बोले हाँ अरे करना तो यू शेप का वायर बना लीजिए पहुंच के देख लीजिए कहीं अपने घर में पहुंचिए देखिए पूरे मोहल्ले का गायब क्यों ये इस तरह की डिवाइस बनानी हो तो यानी कंस्ट्रक्टिव कम डिस्ट्रक्टिव ज्यादा बात तो बड़ी मन किया कि डॉक्टर जयकाल बन जाए भारत सरकार के अगेंस्ट बनाया गया था लेकिन फिर सोचे कि इससे क्या फायदा ठीक है क्योंकि देखे शक्ति मेला बड़ी मार मार क्यों ना शक्ति मान ही बना था चलिए सॉरी शक्तिमान वापस आइए वापस आइए हम कुछ बताने जा रहे थे भूल गए न्यूमेरिकल अच्छा कैसा क्वेश्चन आता है तो वही तो जो बता रही थी तो चलिए ठीक है इसमें जो क्वेश्चन आएंगे इसमें ज्यादा क्वेश्चन है वैरायटी आप पूरा बोर्ड कल भर देंगे और उसका उसको एक एक को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आपको अब 24 आवर क्लिप मिल जाएगी जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं चीट कर रहे हैं जो भी लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं 100% रिकॉर्ड हो रहा है ये देखिए और इसको ऑनलाइन करवा देंगे रात में सब अवेलेबल होता है उसमें से क्लिप काट के जितनी जरूरत होगी ले लीजिएगा अपने टाइम का। Hello. Okay.
प्रोजेक्शन Thank you.